नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यन आपकी आवाज, आपके साथ मैं हूं राहुल शर्मा और हम बात कर रहे हैं झारखंड में सरकार गठन की कवायद की, जो कि तेज हो चुकी है। मंगलवार को जेएमएम विधायक दल के नेता हेमंत सोरेन ने कुल 43 विधायकों का समर्थन पत्र राज्यपाल डॉक्टर सैयद अहमद को सौंप दिया था। राज्यपाल ने भी सरकार बनने की संभावना के मद्देनजर स्टेटस रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेज दी है। अब वहां से हरी झंडी मिलने के बाद केंद्र की ओर से सारे के सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी और झारखंड में सरकार का गठन हो जाएगा। इधर संथाल और पलामू के कुछ कांग्रेसी बगावती तेवर में हैं, वहीं निर्दलियों के डिमांड को पूरा करना भी हेमंत सोरेन के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं। उधर जेवीएम और बीजेपी सरकार बनाने का विरोध कर रहे हैं। ये दिगर बात है कि हेमंत सोरेन का मुख्यमंत्री का सपना जल्द ही पूरा होने जा रहा है, लेकिन क्या झारखंड की जनता को आने वाली सरकार से कोई फायदा मिल पाएगा, ये बड़ा सवाल है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की पेशकश, हेमंत को ताज, कांग्रेस में बगावत। झारखंड में एक बार फिर सरकार बन रही है। हेमंत सोरेन राज्य के नौवें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे, साथ ही कांग्रेस और आरजेडी कोटे से भी दो विधायकों को उसी दिन शपथ दिलाई जाएगी। लेकिन बीते 12.5 सालों से राजनीतिक अस्थिरता का दंश झेल रहे झारखंड में क्या सरकार स्थिर रह पाएगी, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक दल के नेता हेमंत सोरेन झारखंड के नौवें मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और 7 निर्दलीय विधायकों के समर्थन से हेमंत ने मंगलवार को राज्यपाल सैयद अहमद से मिलकर सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया है। वहीं राज्यपाल सैयद अहमद ने केंद्र सरकार से राज्य के राष्ट्रपति शासन हटाने की अनुशंसा कर दी है। लेकिन इसे बदकिस्मती कहें या झारखंड के लोगों की विडंबना कि बीते 12.5 सालों में ये सूबा 8 सरकारें और 3 राष्ट्रपति शासन देख चुका है और यहाँ कभी भी कोई सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सकी। मौजूदा विधानसभा में हेमंत सोरेन 3रा CM बनने जा रहे हैं। उनके सहयोगी दल कांग्रेस, आरजेडी और निर्दलियों का समर्थन तो उन्हें मिल गया है, लेकिन कांग्रेस का एक धड़ा सरकार बनने का विरोध कर रहा है। एक तरफ इस विरोध से निपटना कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती होगी, वहीं निर्दलियों के बूते सरकार चलाना भी राज्य के मुखिया बनने जा रहे हेमंत सोरेन के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि झारखंड का राजनीतिक इतिहास भी डावाडोल प्रवृत्ति वाला रहा है। 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर झारखंड राज्य बना था। तब बीजेपी के बाबूलाल मरांडी राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे। बाद में उनकी जगह भाजपा के ही अर्जुन मुंडा ने ले ली। झामुमो के शिबू सोरेन तीसरे मुख्यमंत्री थे, लेकिन उन्होंने केवल 8 दिन बाद इस्तीफा दे दिया। इसके बाद बीजेपी के अर्जुन मुंडा ने उनकी जगह ली। कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी के समर्थन से निर्दलीय विधायक मधु कोड़ा सितंबर 2006 में राज्य के 5वें मुख्यमंत्री बने। अगस्त 2008 में शिबू सोरेन राज्य के 6ठे मुख्यमंत्री बने। 7वें मुख्यमंत्री के रूप में एक बार फिर शिबू सोरेन ने दिसंबर 2009 में शपथ ली। अर्जुन मुंडा सितंबर 2010 में राज्य के 8वें मुख्यमंत्री बने। अब हेमंत सोरेन राज्य के 9वें मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। लेकिन सरकार बनने से पहले ही सहयोगी पार्टी कांग्रेस के अंदर खींचतान चलना शुभ संकेत नहीं माना जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, आरएन न्यूज। तो झारखंड में 9वीं सरकार का गठन होने जा रहा है। 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से अलग होकर पृथक राज्य बना था और उस समय अस्तित्व में आने के बाद झारखंड वासियों के मन में ये उम्मीद जगी थी कि सूबे का विकास होगा, यहां विकास की बयार बहेगी और साथ ही प्राकृतिक संपदाओं से परिपूर्ण ये राज्य देश के अन्य राज्यों की तुलना में अच्छी तरह से प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा और एक उदाहरण पेश करेगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया, वजह रही यहां की डावाडोल सरकारें और राज्य में लगा राष्ट्रपति शासन। साथ ही भ्रष्टाचार यहां चरम पर रहा,
बेरोजगारी, पलायन, गरीबी, भुखमरी इस राज्य की आज भी ऐसी समस्याएं हैं जो गरीबों के दिल कचोटती हैं, और सरकारें इनके जख्मों पर मरहम लगाने के बजाय नमक और मिर्च डालने का ही काम करते आई हैं। इस बार नवीं सरकार का गठन झारखंड में होने जा रहा है, लेकिन इसके क्या मायने मतलब होंगे? क्या ये सिर्फ स्वार्थ सिद्धि की सरकार साबित होगी और आगे फिर गिर जाने की संभावना बनेगी, या फिर आगे ये सरकार कल्याणकारी कार्य कर सकेगी? इन तमाम विषयों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दो मेहमान, उनसे आपका परिचय कराते हैं। सबसे पहले मुकेश कुमार सिंह साहब हैं जो कि झारखंड मामलों के जानकार हैं, और हमारे साथ एचके वर्मा साहब हैं जो कि कांग्रेस की तरफ से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले एचके वर्मा साहब, आप ही के पास आते हैं, सरकार बन रही है, आप लोगों में खुशी भी होगी, कांग्रेस के हैं आप, काफी दिनों तक जेएमएम ने डोरे डाले, इधर उधर जाते रहे, लगातार दिल्ली दौरा किया, और अब आखिरकार सरकार बन रही है, लेकिन फिर भी आपके दल के दो विधायकों की अगर बात करें या दो नेताओं की बात करें जो पलामू और संथाल का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनमें नाराजगी देखने को मिल रही है, तो बगावत के सुर तो अभी से फूटने लगे वहां। देखिए राहुल जी, ऐसा है जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में देश के संविधान के अनुसार सो लोकतांत्रिक राज हमेशा अच्छा रहता है, लोगों को उनकी मंत्रियों विधायकों तक पहुंच रहती है, अपनी आवाज कह सकते हैं, दुख तकलीफ कर सकते हैं, समस्या बता सकते हैं, और समस्या का समाधान विधायकों और मंत्रियों का कर्तव्य है, मुख्यमंत्री का कर्तव्य है। तो कांग्रेस ने सरकार बनाने की पहल वहां नहीं की थी, वहां झारखंड में राष्ट्रपति शासन था, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत धर्म निरपेक्ष दलों को एकत्रित किया, और उसी के तहत कांग्रेस ने अपना समर्थन दिया, राष्ट्रीय जनता दल ने दिया, और कुछ निर्दलीय विधायकों ने दिया, उसी के आधार पर सरकार बन रही है। और जहां तक आप कांग्रेस के विरोध की बात कर रहे हैं, तो श्री राधाकृष्ण किशोर जी हमारे झारखंड के वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन वे विधायक अभी नहीं है जी, और स्टीफन मरांडी की बात कहे तो यहां से यह सरकार बहुत मंथन के बाद बन रही है। मुझे लगता है जब से राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है उसके बाद से लगातार इसके प्रयास किए जा रहे थे। हमारे बिहार के रहने वाले डॉक्टर शकील अहमद वहां के प्रभारी महासचिव थे कांग्रेस कमेटी के, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से, उनसे हम लोगों की बातचीत होती रहती थी, तो बराबर प्रयासरत थे, और अभी उसने तेजी पकड़ी है, और कांग्रेस आलाकमान भी सभी बातों पर गहराई से विचार विमर्श करके सभी पक्षों से मंथन करके इस पर अपनी स्वीकृति दी है। चलिए, स्वीकृति दे दी है कांग्रेस आलाकमान ने। मुकेश कुमार सिंह साहब, कांग्रेस आलाकमान को लगने लग गया कि अब लोकसभा चुनाव 2014 पास हैं तो स्वीकृति दी गई। इससे पहले जेएमएम के नेताओं ने कितनी गलबैयां भरी, कितनी बार उड़ाने भरी रांची से, उस समय सरकार नहीं बनी। और सबसे बड़ी बात, मुकेश जी आप झारखंड मामलों के जानकार हैं, ये बताएं कि इस सरकार का क्या हश्र होगा आगे? नहीं, आपने बिल्कुल ये सही बात बताई, और जो आपने समीक्षा की है कि इस सरकार के आने के पहले जो पृष्ठभूमि तैयार हुई है, उस पृष्ठभूमि में 2014 का लोकसभा का चुनाव अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, और उसकी इस बात से जेएमएम को के साथ में जो कांग्रेस ने, चूंकि वहाँ कांग्रेस एक छोटी पार्टी के रूप में है और जो वहाँ की क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो बड़ी पार्टियों के रूप में है, झारखंड मुक्ति मोर्चा वहाँ एक बड़ी पार्टी के रूप में है, और राष्ट्रीय पार्टी होते हुए भी कांग्रेस वहाँ छोटी पार्टी के रूप में है, तो यह जो 2004 में कांग्रेस और जेएमएम के बीच में एक समझौता हुआ था लोकसभा के चुनाव में, उसके आशातीत परिणाम कांग्रेस को भी मिले थे और जेएमएम को भी मिले थे। तो कांग्रेस के की जो पृष्ठभूमि तैयार हुई उसमें 2014 के लोकसभा का आंकलन जो है वो सबसे महत्वपूर्ण माना गया, और उसके बाद ये राष्ट्रपति शासन को दूर करने के लिए, क्योंकि एक बार 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 कांग्रेस के जो आलाकमान के लोग हैं और कांग्रेस वालों को वो आगे भी उनको सताएगा, ये समस्या उनको सताएगी कि जो 6 निर्दलीय विधायक हैं उनको किस ढंग से, किस पृष्ठभूमि में, किस भूमिका में, किस दिशा निर्देश के तहत में वो उनकी आकांक्षाओं को पूरा करेंगे या उनके साथ समझौता करेंगे, क्योंकि झारखंड की जो का जो हम लोग देख रहे हैं, जो वस्तुस्थिति देख रहे हैं, वहां 13 साल में 8 लोकतांत्रिक सरकारें बनी हैं,
ये 9वीं सरकार बनने जा रही है और 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा, इसका मतलब कि लगभग 1.25 साल का जो वहां समय जो है वो मिलता है एक लोकतांत्रिक सरकार को चलने का, उसको गिराने के पीछे जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही है वो स्थानीय पार्टियों की, क्षेत्रीय पार्टियों की और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण निर्दलीय पार्टियों की रही है। तो इस बात को नकारा नहीं जा सकता है। तो ये जो सरकार बन रही है वो एक बहुत अत्यंत चुनौतीपूर्ण माहौल में बन रही है, लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बन रही है और एक नौजवान नवयुवा जो हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो सेकेंड जनरेशन के जो क्या लीडरशिप है उनके नेतृत्व में बन रही है, तो उनको बहुत समझदारी से, बहुत विवेक से और बहुत सावधानी से अपने सभी लोगों को साथ में लेकर चलने की जरूरत है। बिल्कुल, ये सावधानी की बात आपने कही है, समझदारी की बात कही है, लेकिन यहाँ पर समझदारी तो उनकी ये होगी कि वो सरकार चलाएंगे कैसे आगे, ये देखने वाली बात होगी, लेकिन समझदारी तो उन्होंने दिखाई है। लंबे समय के बाद उन्हें सत्ता की रेवड़ी जो मिल रही है। बहरहाल, हेमंत सोरेन ने भले ही झारखंड में सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया हो, लेकिन कांग्रेस के समर्थन से बनने जा रही इस सरकार का विरोध अभी से शुरू हो गया है। सबसे ज्यादा खलबली कांग्रेस के भीतर ही सुनाई पड़ रही है। दिल्ली में बैठे नेताओं ने भले ही राष्ट्रीय स्तर पर जेएमएम से समझौता कर लिया हो, लेकिन संथाल परगना के कांग्रेसी नेता इससे खासे नाराज हैं। कांग्रेसी नेताओं को इससे ज्यादा एतराज नहीं कि कांग्रेस निर्दलियों और आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बन रही है, बल्कि उनकी नाराजगी कांग्रेस और जेएमएम के गठबंधन से है। झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राजद मिलकर के, निर्दलीय मिलकर के जो सरकार बन रही है उसके खिलाफ में हम लोग कुछ कम हैं, लेकिन अलायंस के खिलाफ हम लोग बहुत ज्यादा हैं। कई राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अपनी पार्टी की नीतियों और पार्टी में अपनी हो रही उपेक्षा से नाराज होकर कांग्रेस का दामन थामा था। स्टीफन मरांडी भी उनमें से एक हैं जिन्होंने जेएमएम से बगावत कर कांग्रेस का दामन थामा था, और अब जब सरकार के साथ साथ आगामी लोकसभा चुनाव के लिए भी कांग्रेस और जेएमएम का गठबंधन हो चुका है, तो स्टीफन के लिए कहीं न कहीं इधर कुआं उधर खाई वाली स्थिति पैदा हो गई है। जब कांग्रेस का संगठन हम लोग खड़ा किया तो वही जेएमएम टूट टूट के हमारे कांग्रेस दल में है, बीजेपी के लोग आए हैं, बहुत दुराने पार्टियों से आए हैं। हमको ऐसा कहना चाहिए कि हम लोग ने कांग्रेस का संगठन को जीरो से खड़ा करने का काम किया है। वैसी परिस्थिति में अगर जेएमएम से पुनः वहाँ पर गठबंधन हो जाता है तो उन कार्यकर्ताओं का क्या होगा जो जेएमएम छोड़ गया है। तो ऐसी परिस्थिति में संथालपना में उबाल मचना स्वाभाविक है, कार्यकर्ताओं के सेंटिमेंट को बहुत आघात पहुंचा है। वहीं कांग्रेस जेएमएम के साथ गठबंधन के सवाल पर कुछ दिनों पहले तक बगावती तेवर दिखाने वाले कांग्रेसी नेता राधा कृष्ण किशोर थोड़े नरम पड़ गए हैं, लेकिन फिर भी ये मानते हैं कि जेएमएम के साथ जाने से कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ेगा। मैंने भी कहा था कि इस प्रकार के गठन से कोई लाभ कांग्रेस पार्टी को नहीं होगी, नुकसान ही उठाना पड़ेगा। लेकिन हम लोगों ने ये भी कहा था कि केंद्रीय नेतृत्व राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए जो उचित निर्णय ले, झारखंड के कांग्रेस जन की सहमति होगी। कांग्रेस और जेएमएम की बनने वाली सरकार की राह में कई रोड़े खड़े हैं। जहां कांग्रेस के अंदर बगावत के सुर उठ रहे हैं, वहीं जेएमएम के अंदर भी मंत्री पद को लेकर खलबली मचने की पूरी संभावना दिख रही है। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि कांग्रेस और जेएमएम के जिन नेताओं ने पार्टी के साथ बगावत कर दूसरी पार्टी का दामन थामा था, अब नई गठबंधन वाली सरकार में उनका क्या होगा। आर्यन न्यूज के लिए रांची से कैमरामैन विनय के साथ संजय समर की रिपोर्ट। और यहां पर सवाल झारखंड में सरकार बनाने का नहीं है, बल्कि सत्ता सुख पाने का है। हर बार यही होता है, 5 साल तक कोई भी सरकार आज तक स्थिर नहीं रही है। बीते 12.5 सालों का इतिहास आप उठाकर देख लीजिए, 8 मुख्यमंत्री बन चुके हैं और 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। आखिरी राष्ट्रपति शासन जो है उसकी मियाद 18 जुलाई को खत्म होने जा रही थी, जिसके लिए सरकार का गठन हुआ। लेकिन क्यों हुआ? सवाल यहां पर यह कि सरकार का गठन जो होने जा रहा है, जिसकी तैयारियां चल रही हैं, इससे पहले लगातार बातचीत करते रहे जेएमएम के लोग, लगातार दिल्ली दौरा करते रहे, बयानबाजी होती रही, सरकार नहीं बनी। अचानक से अब ऐसी क्या स्थिति हुई जो सरकार बन रही है? लगातार दोनों मेहमान बने हुए बातचीत कर रहे हैं। मुकेश जी, आपके पास एक बार फिर लौटते हैं। इतने दिनों तक सरकार की सुगबुगाहट रही, बेचैन थे जेएमएम वाले, लगातार दिल्ली दौरा, लगातार बातचीत, उन्होंने सोचा ये क्या हुआ,
जैसे ही बीजेपी से हमारा साथ छूटा हम बिल्कुल हमाम में नंगे हो गए, और अब आखिर कांग्रेस ने डोरा डालने की स्वीकृति दे दी है, तो आप बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं यहाँ पर ये लोग। देखिए, यहाँ दोनों के साथ में जेएमएम और कांग्रेस दोनों के बीच में यह एक ऐसा समझौता है जो 2004 के लोकसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में तैयार हुआ है, लेकिन यह 2004 की स्थिति नहीं है, यह 2013 और 14 की स्थिति है और इसमें बहुत सारे समीकरण बदल रहे हैं। लेकिन जो झारखंड के जेएमएम के नेता हैं और जो उनके रणनीतिकार आज के दिन में हैं और जो कांग्रेस के रणनीतिकार हैं और विशेषकर राहुल गांधी जी को एक बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जो सरकार बनना और सरकार चलना ये दो अलग अलग परिस्थितियों के माध्यम से होता है। झारखंड एक ऐसा राज्य है, एक ऐसा विशिष्ट राज्य है कि जहां पहले तो 81 केवल सीटें हैं, उन 81 सीटों में 29 सीटें 29 सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर ट्राइबल्स, तो 29 सीटें आपकी जो है आदिवासियों के लिए सुरक्षित है और 9 सीट जो है वो शेड्यूल कास्ट के लिए अनुसूचित जाति के लिए वो सुरक्षित है। तो इसका मतलब हुआ कि 37 सीटें 81 में से 37 सीटें उन वर्गों के लिए है जो कि समाज के गरीब हैं, पिछड़े हैं, असहाय हैं और इनको सबसे बड़े बात झारखंडवासी हैं और झारखंडवासी और इनको आप अगर लेके चलते हैं या इनके साथ फिर अगर आपने, चूंकि ये जो 1.5 साल का जो दरमियान है इसमें आपने अगर काम नहीं किया या आप जो है आपके पास यहाँ जो तीन पार्टियां हैं, तीन महत्वपूर्ण पार्टियां हैं आज के दिन में जो 81 की विधानसभा में जो सरकार बनाने का दावा पेश किया गया है, जो 43 सीटों का समर्थन पत्र दिया गया है उसमें 18 सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा की हैं, 13 सीटें कांग्रेस की हैं और 5 सीटें जो हैं वो आरजेडी की हैं। यह तीनों मिलाकर भी इनको पूर्ण समर्थन नहीं मिलता है तो निर्दलियों का समर्थन है। कोशिश तो इन्होंने की थी कि ये लोग आंसू को बुला लें, लेकिन आंसू नहीं आई। वहां फ्रैक्चर्ड मैंडेट है, तो आप इन 6 जो निर्दलीय विधायक हैं, इन निर्दलीय विधायक को किस ढंग से आने वाले समय में अपने साथ समेट के रखते हैं यह देखने की बात होगी। दूसरी बात, मौसा के विधायक हैं अरूप चटर्जी जी, वो उनकी अपनी भूमिका होगी और वो अपने हिसाब से भी उनकी भी कुछ मांगे होंगी। तो जो वहाँ परिस्थिति बन रही है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और आने वाले समय में आरजेडी के जो 5 विधायक, क्योंकि आरजेडी के आने वाले समय में एक महत्वपूर्ण निर्णय अगर आने वाला है जो काफी उथल पुथल मचाएगा, तो इस तीनों जो वहाँ के महत्वपूर्ण पार्टियां हैं उनके साथ में किस ढंग से ये काम करते हुए जो सरकार बनने जा रही है और ये जो निर्दलीय विधायक है ये इनके साथ में किस ढंग से इस गठबंधन को लेके मजबूती के साथ चलेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर मजबूती के साथ चलेंगे वो देखने वाली बात। बिल्कुल, हम बात करेंगे आपसे। बहरहाल हमारे साथ फोन लाइन पर रांची से वरिष्ठ सहयोगी जुड़ चुके हैं निलय सिंह। निलय, आपसे जानना चाहेंगे, सरकार गठन की कवायद बहुत तेजी से चल रही है झारखंड में, लेकिन समीकरण कैसे बन रहे हैं और बिगड़ रहे हैं वहां पर? देखिए राहुल, अभी जो सरकार गठन की जो कवायद है वो अपने अंतिम चरण पे पहुंच चुकी है और सबसे अहम बात ये है कि जो भी यहाँ पे दल हैं, चाहे वो जेएमएम हो या फिर कांग्रेस हो या फिर आरजेडी हो और निर्दलीय, ये सभी के जो कोटे के मंत्री बनने के लिए तैयार हैं। अगर कांग्रेस की बात की जाए तो 5 विधायकों को मंत्री बनाया जाएगा और जेएमएम से भी 5 मंत्री बनेंगे जिसमें कि मुख्यमंत्री भी शामिल है। निर्दलियों की राजद की बात की जाए तो 2 विधायक यहाँ पे मंत्री बनेंगे जिसमें कि अन्नपूर्णा देवी और सुरेश पासवान का नाम था है, लेकिन निर्दलियों को लेकर अभी भी एक तरीके से कहा जाए तो दरवाजे बंद रखे हुए हैं। हालांकि बंधु तिर्की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें सीट मिले, क्योंकि उनका कहना है कि निर्दलियों का नेतृत्व वो कर रहे हैं और सरकार को बनाने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। लेकिन अब तक जो कांग्रेस का रुख रहा है उसमें वो नहीं चाहती कि किसी भी निर्दलियों को वो मंत्री बनाए, क्योंकि इससे पहले भी उसकी काफी किरकिरी हो चुकी है। तो ऐसा नहीं लगता कि वो फिर से निर्दलियों को मुख्यमंत्री बनाएंगे और यही वजह है कि निर्दलीय अभी भी इस पूरी कवायद में लगे हुए हैं। अभी एक और जो घटनाक्रम महत्वपूर्ण आया सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद कि अगर किसी को 2 साल की सजा होती है तो उसकी सदस्यता अपने आप खत्म हो जाएगी, तो उसमें सावना लकड़ा जो है वो फंस सकते हैं, क्योंकि इनके ऊपर मर्डर का केस है और वो सिद्ध हो चुका है, उम्र कैद की सजा ये भुगत रहे हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ये गए थे लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिर हाईकोर्ट को ही वापस कर दिया, यानी कि इनकी सदस्यता जानी अब लगभग तय है, सिर्फ उस पर एक औपचारिक घोषणा बाकी है। तो कांग्रेस या फिर गठबंधन को एक विधायक का नुकसान हो गया कहें, यानी कि पहले जो तलवार की धार पर सरकार चलती 42 के आंकड़े पर,
वो जो जो पहले जो 43 था वो घटकर अब फिर से 42 हो जाएगा अगर सावना लकड़ा की सदस्यता चली जाती है तो, यानी कि अब फिर से सरकार मुश्किल में रह सकती है। अगर कोई भी एक विधायक चाहे तो वो सरकार को ब्लैकमेल कर सकता है, अपनी बातें मनवा सकता है। तो बंधु तिर्की को एक बार फिर से मौका मिल गया कि वो अपने मंत्री पद के लिए एक बार फिर से दबाव बनाए। राहुल, बिल्कुल, और कुल मिलाकर आप वही पुरानी स्थिति की याद दिला रहे हैं नीलय, जो उस समय देखने को मिलती थी, जो G2 और G3 का गठन किया था इन निर्दलियों ने मिलकर उस समय के तत्कालीन सरकारों में, कैसे निर्दलियों ने ब्लैकमेल किया था सरकारों को। जी हाँ बिल्कुल, ये झारखंड का दुर्भाग्य है क्योंकि लगभग अब 12 साल खत्म हो चुके हैं, 13वां साल चल रहा है और उस पे ये 9वीं सरकार बन रही है। और सबसे उससे भी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इस विधानसभा काल का, यानी कि 2009 में जब चुनाव हुए थे दिसंबर में, उसके बाद से लेकर आज तक ये 5वीं सरकार बनने जा रही है। अगर दो बार राष्ट्रपति शासन को भी जोड़ दे तो सबसे पहले शिबू सोरेन ने सरकार बनाई थी, वो सरकार को भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन वापस ले लिया और वो सरकार गिर गई। उसके बाद फिर भाजपा ने अर्जुन मुंडा के नेतृत्व में सरकार बनाई, हेमंत सोरेन को उप मुख्यमंत्री बनाकर, उस सरकार का भी हश्र यही हुआ। उस बीच में एक बार राष्ट्रपति शासन लगा, फिर इस बीच में एक बार राष्ट्रपति शासन लगा, 6 महीने होने जा रहे हैं, अब फिर एक 5वीं सरकार का गठन होने जा रहा है। अगर औसत देखें तो 5 साल में 5 सरकार, यानी कि 1 साल का औसत हो रहा है। हालांकि यह सरकार में भी 1.5 साल बाकी है, तो यह भी कहना मुश्किल है कि आप वाकई ये 1.5 साल का अपना कार्यकाल पूरा कर पाएगी या उससे पहले